नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। और सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार से ये बड़ी खबर है। बिहार ईओयू के एडीजी को दिल्ली तलब किया गया है। पेपर लीक में गृह शिक्षा मंत्रालय ने तलब किया है एडीजी नय्यर हसनैन खान से, जानकारी लेगा मंत्रालय। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अब एडीजी को तलब कर लिया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अभी तक समाधान क्यों नहीं है। और बिहार से एक के बाद एक आप देख रहे हैं, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और दूसरा एक कबूलनामा एक ऐसे छात्र का आया जिसने ये कहा अपने कबूलनामे में कि मुझे एक दिन पहले ही पेपर मिल गया था और रट्टा लगवाया गया था। ये इस तरीके की धांधली हुई है इस लेवल पर, क्योंकि एक महीने पहले से ही बिहार में इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है। ऐसे में बिहार ईओयू के एडीजी को तलब कर लिया है गृह शिक्षा मंत्रालय ने, और जानकारी ली जाएगी कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। हमारी भी नजर लगातार बनी हुई है और न्यूज 24 ने मुहिम चलाई है कि आखिर कब तक जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा, और इस नीट यूजी परीक्षा का समाधान आखिर क्या है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काउंसलिंग रद्द नहीं की गई है, जिसकी मांग छात्र कर रहे हैं कि काउंसलिंग रद्द की जाए और एक नए सिरे से इसकी परीक्षा कराई जाए, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। और सौरभ कुमार इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सौरभ, हम ब्रेकिंग में एजेंडा में डिस्कस कर ही रहे थे कि रिपोर्ट तलब किया, लेकिन उससे पहले एडीजी को तलब कर लिया है सरकार ने। जी बिल्कुल, यह पहले से तय था कि जो नय्यर हसनैन खान है उनको दिल्ली तलब किया जाएगा, क्योंकि जो सबूत चाहिए वो निश्चित तौर पर आर्थिक अपराध इकाई के पास है और वो नय्यर हसनैन खान के पास है, क्योंकि पिछले एक महीने से वो लगातार जो 13 आरोपी पकड़े गए हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि उनका जो कबूलनामा है, यानी जो 13 आरोपी पकड़े गए हैं उनका जो कबूलनामा है, जो पुलिस के सामने उन्होंने बयान दिया है, वो भी अब एक एक करके सामने आ चुके हैं। तो निश्चित तौर पर नय्यर हसनैन खान को इसलिए बुलाया गया है कि सारे सबूत लेकर वो जाएंगे और वो रखेंगे, और उसके बाद ही यह फैसला होगा कि नीट का जो पेपर है उसको रद्द कर दिया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगामी 8 जुलाई को जो सुनवाई होने वाली है उसमें उन्हें सबूत चाहिए, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी कि आगे क्या करना है। तो ये तय था कि नय्यर हसनैन खान को बुलाया जाएगा और आज ही उनको तलब भी किया गया है। आज शाम या कल वो दिल्ली पहुंचेंगे और उनके पास सबूत भी होगा, जो एक महीने के दौरान पूछताछ में जो सामने आए हैं वो सबूत सामने रखेंगे। जी सौरभ, आप हमारे साथ बने रहे इस पीछे को।